जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्टूबर के महीने में चार ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है, शुक्र भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं और शनि मार्गी हो गए हैं और 17 अक्टूबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य देखिए 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला राशि में ही रहेंगे और 8 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन पर सूर्यदेव की विशेष कृपा होने वाली है। उनको पुत्र संतान धन प्राप्ति के विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही दोस्तों, बहुत ही सर्वसिद्ध योग बना हुआ है, 90 वर्षों के बाद ऐसा योग बना हुआ है, क्योंकि देखिए रवि प्रदोष व्रत है, सूर्य का राशि परिवर्तन है और सोम प्रदोष व्रत है। देखिए, संतान की इच्छा रखने वाले को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए, जिसकी हमने वीडियो भी डाली है, आप उस उपाय को अवश्य करें। साथ ही दोस्तों, किन राशियों पर क्या प्रभाव रहने वाला है उसकी हम संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। किनको धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, किनको संतान के, किनको पुत्र के और किन राशियों को, चार जो राशियाँ हैं उनको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, उसकी भी हम जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसएनआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, रविवार का दिन सूर्यदेव का माना जाता है। सूर्यदेव देखिए दीर्घ आयु को देते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को देते हैं। साथ ही जो संतान की इच्छा रखते हैं, पुत्र की इच्छा रखते हैं, तो सूर्यदेव को अर्घ अवश्य देना चाहिए। सूर्यदेव सभी ग्रहों के राजा हैं और सूर्य राजकीय सुख प्रदान करते हैं, मान सम्मान प्रदान करते हैं। अगर आप आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि चाहते हैं, नौकरी व्यवसाय में, सरकारी नौकरी में अगर आप वृद्धि चाहते हैं, तो सूर्यदेव को नित्य प्रति आपको जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, रविवार के दिन तो अवश्य ही सूर्यदेव को अर्घ अवश्य दें। सूर्य देवता को जल देने वाला जो लोटा है, ये तांबे या पीतल का होना चाहिए, उसमें शुद्ध जल भरें, लाल रोली पुष्प, अगर आपके पास गुड़ या शक्कर है तो वो भी अवश्य डालें। और साथ ही अगर आप अक्षर डालकर और पुत्र की इच्छा रखते हैं, तो एक चम्मच कच्चा दूध डालकर ओम सूर्यदेवाय नमः कहते हुए सूर्यदेव को अर्घ अवश्य दें। अपनी ही जगह पर 7 परिक्रमा अवश्य लगाएं, आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, सूर्य के राशि परिवर्तन से किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी हम संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, 5 भाग्यशाली राशियाँ ऐसी हैं जिनको देखिए संतान सुख के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी में, यानी सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो उसमें वृद्धि के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। पिता सुख के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और जो जातक विवाह के योग हैं, तो उनके विवाह के योग भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दोस्तों, इन 5 भाग्यशाली राशियां हैं मेष, वृष, कन्या, मकर, कुंभ। ये 5 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको सरकारी नौकरी में पिता सुख के, संतान सुख के और विवाह सुख के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। दोस्तों, साथ ही 3 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे, धन प्राप्ति के योग बन रहे, विदेश यात्रा के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इनमें जो 3 राशि हैं वो है सिंह, मिथुन और धनु। ये 3 राशियां ऐसी हैं जिनको पुत्र प्राप्ति के, धन प्राप्ति के और विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। साथ ही दोस्तों, जो बाकी 4 राशि हैं, तुला, कर्क, मीन और वृश्चिक, इन राशि को थोड़ी सी सावधानी अवश्य ही रखनी पड़ेगी। सिर नेत्र से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है नौकरी में और पति पत्नी के संबंध में थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो आप थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखें। साथ ही देखें, सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करें, सूर्यदेव के मंत्र का जाप करें, तो निश्चित ही आपको शुभ फल प्राप्त होगा। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य के राशि परिवर्तन से किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इसकी हमने संपूर्ण जानकारी दी है। दोस्तों, बहुत ही सर्वसिद्ध योग है, रवि और सोम प्रदोष है, इस दिन आप उपाय अवश्य करें, तो निश्चित ही सूर्यदेव की आपको पर विशेष कृपा बनेगी, आपको शुभ फल प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।